वेलकम। हम फिर से स्कोपस के डेटा में आ गए। हमने डॉक्यूमेंट सर्च, ऑथर सर्च मैंने बता दिया था आपको। अब हम एफिलिएशन सर्च पे आ जाते हैं। एफिलिएशन सर्च पे कैसे होगा, ये इसका इंटरफेस है। हम एफिलिएशन सर्च कर लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ दिल्ली ले लेते हैं। ये इस तरीके से सर्च होता है। जब इसको सर्च करते हैं, ये यहाँ पर इसका पूरा एड्रेस और यहाँ पर डॉक्यूमेंट और ये ऑथर सारे मेंशन हो जाते हैं। यहाँ पर ग्राफिकल भी शो करते हैं ये लोग। सब्जेक्ट वाइज आपको डेटा मिल जाता है यहाँ पर कि ये किस सब्जेक्ट में कितने डॉक्यूमेंट्स इनके अवेलेबल हैं। ये सारा डेटा आपको दिख सकता है जब आप स्कोपस पे सर्च करोगे, और ये ग्राफिकल भी परसेंटेज शो करता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाइज सब्जेक्ट एरिया, एफिलिएशन हायरार्की, कोलेब्रेशन एफिलिएशन एंड डॉक्यूमेंट वाइज सोर्स भी अवेलेबल है। ये इस तरीके से आपको एफिलिएशन हायरार्की मिल जाएगी, कोलेब्रेशन एफिलिएशन भी मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट बाय सोर्स भी मिल जाएगा, जहाँ पर जर्नल्स होते हैं बेसिकली। तो अभी हम डॉक्यूमेंट बाय सब्जेक्ट चलते हैं। हम इसे डॉक्यूमेंट को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा सर्च हमें दिखा रहा है कि ये इस तरीके से अवेलेबल है। और यहाँ पर हम फिल्टर्स लगा सकते हैं कि हमें कितने ईयर्स के चाहिए, या फिर ऑथर से, या सब्जेक्ट से, डॉक्यूमेंट टाइप, पब्लिकेशन स्टेज, ये कंट्री से जो भी, और ऐसे रिफाइन एक्सपोर्ट रिफाइन भी कर सकते हैं। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर शो ऑल एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें सारे एब्स्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, हमें दिखने लगेंगे। हम इसे हाइड भी कर सकते हैं। और ये यहाँ पर साइटेड हाईएस्ट है आर्टिकल। अब इसे हम डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पर मेंडले में अवेलेबल है, सीएसवी में अवेलेबल है, और इस तरीके से आप पूरी डिटेल्स भी ले सकते हैं। बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, फाउंड डिटेल्स, ये सारे हम अगर ऊपर से क्लिक करेंगे तो हमें ये सारे मिल जाएंगे। हम इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि हमें जो रिक्वायरमेंट है हम उसी को ही एक्सपोर्ट करें। तो ये इस तरीके से एफिलिएशन सर्च होता है। थैंक यू।